शादी कर लेते, एक विचार था? हाँ, पक्का विचार था, शादी कर लेते, कर लेंगे उसे। हाँ, शादी करना चाहिए। देश में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लड़कियाँ किस तरह लोगों के जाल में फंसती हैं, अपनी लाइफ बर्बाद करती हैं, इसका नज़ारा कानपुर के कलेक्टरगंज में देखने को मिला है, जहाँ मोतिहारी बिहार की एक लड़की फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती करती है, फिर उसके बुलावे पर कानपुर आ जाती है और दावा कर कानपुर आने पर उसे पता चलता है वो लड़का हिंदू ने मुस्लिम था, उसने उसको अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद लड़की ने पुलिस बुलाई, हालांकि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। जिनके ऊपर उस लड़की ने आरोप लगाया है वो खुद यहाँ पे शहंशाह आलम सामने हैं, कानपुर के कहाँ रहने वाले, पूछते कि इनकी कहना क्या है, ये आरोप सही है क्या गलत, क्या कहना है? सर, ये गलत है। क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। शहंशाह आलम, तुम्हें सफाई देने का मौका है नहीं, फिर ये ना करो। नहीं, वो लड़की जैसे कह रही है कि आपने हिंदू बन के बुलाया, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं बुलाया, हिंदू बन के नहीं बुलाया हमने। आपने सही नाम उसको बताया? हाँ। क्या नाम बताया उसको? जो नाम है मेरा। अच्छा, तो क्या आप ये अगर वो शादी कर लेते, विचार था? हाँ, पक्का विचार था शादी करने के लिए। कर लेंगे उसे? हाँ, शादी करना चाहिए। तो लड़की ने मना कर दिया क्या? विवाद कैसे फैला, फिर थाने तक कैसे सूचना पहुंची? निकाल ली। तुम्हें कुछ कहना है? तुम्हें लगता है कि तुमने लड़की को बताया? नहीं बताया। नहीं, वो तो कह रही है झूठ कह रही। तुम ना, तुम कहा हम शादी कर लेंगे, कर लेते वास्तव में? फिर कैसे कह रहे थे शादी? बताइए, बात खत्म करिए आप, बात को फालतू में अलूदा बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात थी? कोई बात बताइए। तो यह है आरोपी शहंशाह, जिसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है, एक लड़की के साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने वाला था, लेकिन सफाई देने में उसकी आफत हो रही है, क्योंकि वो अपनी हकीकत बयां कैसे करे। आखिर लड़की के कहने पे वो पकड़ा गया, अगर लड़की सतर्क न होती तो सचिन बनकर उसको फंसा लेता, उसकी इज्जत से खिलवाड़ भी कर लेता और फिर हो सकता नौ जिहाद में उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। खैर, कानपुर पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया है। अब देखना होगा इस मामले से देश की अन्य लड़कियां कोई सबक लेती हैं कि नहीं। रंजय सिंह, कानपुर तक।